आज हम बनाएंगे काले चने की सूखी सब्जी। हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ ममता भट्ट। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई रेसिपी आप और आपके फ्रेंड्स तक पहुंच पाए। काले चने देसी चने के नाम से भी जाना जाता है। आज हम काले चने की सूखी सब्जी बनाएंगे और ये सब्जी में लहसुन और प्याज का यूज बिल्कुल ही नहीं करेंगे। तो आइए काले चने की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। एक कटोरी सूखे चने को 2 कटोरी गर्म पानी में मैंने करीब 6 घंटे पहले भिगो लिया था और 6 घंटे बाद मैंने 1/2 टीस्पून नमक मिला के 6 से 7 विसल तक बॉईल कर लिया है। 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे, 1/2 टेबल स्पून राई, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 8 से 10 करी लीव्स, 1/4 टीस्पून हींग, 1 हरी मिर्च, 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, आधे मिनट सोते करेंगे। चना बॉईल करने के बाद जो पानी बचा था इसमें से थोड़ा पानी मिला लेते हैं, करीब आधा बाउल। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर मिक्स करते हैं। नमक थोड़ा कम मिलाएंगे क्योंकि जब चना बॉईल किया इसमें भी हमने नमक मिलाया हुआ था। बॉइल चना मिला लेते हैं। मीडियम गैस पे 2 से 3 मिनट के लिए हम चने को पकने देंगे। चॉप धनिया मिला लेते हैं थोड़ा सा। पूड़ी और हलवे के साथ ये चने की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। अब काले चने की सूखी सब्जी बिल्कुल रेडी है, गरम गरम सर्व करेंगे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कुक टेस्टी, स्टे हेल्दी।